हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन फिलहाल आंटी जी और मनीषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि जिस घर में इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटा हो, जिसके ऊपर इतनी बड़ी आफत आई हो, वो इंसान कैसे सही रह सकता है। अभी अभी मुझे एक लेटेस्ट अपडेट मिली, मुझे ये चीज़ के बारे में मुझे कल से ही मिल रही थी इस चीज़ की खबर, बट मैंने इस पर बात करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे ही कोई झूठी अफवाह हो सकती है, कोई झूठा बात करना चाह रहा हो या कोई गलत अपडेट, क्योंकि ऑडियंस है, हर तरह की बातें करती है, हर तरह के कमेंट्स करती है, बट मैं इसे इग्नोर कर रही थी। लेकिन नहीं, वो चीज़ सच है। आप सबने देखा ही होगा कि कल जो मनीषा ने पोस्ट किया था, जिसमें बोला था मैं घर पर अकेली हूँ, और आप सबको पता भी होगा कि मनीषा घर पर अकेली है, मिस्टर सचिन राज उनके पास नहीं है, बर्थडे पर भी उनके पास नहीं है। तो आपके दिमाग में ये था कि कहाँ है मिस्टर सचिन राज। तो भाई, मिस्टर सचिन राज अभी जेल में है, उनको पूरी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जेल थाना जो भी हो, उनको अरेस्ट कर लिया है अम्बाला की पुलिस ने। सचिन भाई ना, सच्ची बोलूँ ना तो भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि भाई बहन की रिश्ते की जो मर्यादा, जो हद, मतलब सारी सीमाएं पार कर दी। अब रिश्तों से यार भरोसा ही उठ गया है, विश्वास उठ गया है रिश्तों से ही। अब किसी को भाई बहन बना के अपने घर हजार बार इंसान सोचेगा। जगत दीदी ने बड़ा एक्शन लिया है जगत भाई के ऊपर। जगत भाई यानी कि हमारे मिस्टर सचिन राज, क्यों लिया, क्या हुआ, सारी बातें करूंगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा, जो भी चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर सही और सटीक जानकारी ही मिलती है। मेरे को बहुत पहले से ही इस तरह की ऑडियंस कमेंट्स कर रही थी, बट मैं नहीं वो चीज़ नहीं रखी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं इस चीज़ पर और थोड़ा सा और खोज करूँ, ताकि जो सच है वो आप लोगों के सामने ला सकूँ। जो कुछ हो रहा है, सबका माथा घूमा हुआ है, सटका हुआ है, और इसीलिए आंटी जी, अंकल जी सभी लोग अम्बाला पहुँचे हैं। हालांकि आंटी जी अपना बेटे का साथ ना देके अपने बहू के साथ हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जो कल का नहीं, कल का नहीं, जो छठ पूजा थी ना, खैर हमारे यहाँ तो नहीं होता है छठ पूजा के बारे में, नहीं ज़्यादा पता मेरे को, बट हाँ, जब छठ पूजा का जो भी ब्लॉग डाला था सामने वाली जगत दीदी ने, तो उन पे जाके हमारे जगत भैया ने कमेंट किया था कि उन्होंने ऐसे ही व्रत व्रत के बारे में बोला था कि मेरे नसीब में नहीं है, ये नहीं, तो उन्होंने बोला कि शिवान चले जाती, शिवान चले जाती, वो भी तो आप ही का घर है दीदी। दो दिन पहले ही ये कमेंट्स हुआ था कि दीदी शिवान चले जाती, वो भी तो आप ही का घर है दीदी। छी, शर्म नहीं आती? इतना कुछ होने के बाद भी पता है कि सबको सब कुछ दिक्कत है, पूरा परिवार, पूरा फैमिली जानता है। आंटी जी ने भी बोल दिया कि मेरे को पहले से पता था, इसीलिए मैंने मनीषा को 6 महीने पहले ही घर में बुला लिया था, मुझे पता है मेरा बेटा भटक गया है, सबको पता था, फिर भी वो रिश्ते बनाए रखे, फिर भी वो रिश्ते रखे, और आज भी उन्हीं रिश्तों के पीछे अपना परिवार, बीवी, सब कुछ छोड़ दिया। जबकि मिस्टर सचिन राज ने लाइव में सारी चीज़ें खुद कबूल कर ली, खुद कबूल की यार, कि हाँ मैं अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा था, मैं दूध का धुला नहीं हूँ, मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैं हमको बेबी प्लान तक नहीं हम कर पा रहे थे, बेबी प्लान नहीं, क्योंकि सामने वाले ने मना किया था। अपने रिश्ते का सच खुद ही खुद रख दिया उन्होंने, कि सामने वाले ने ये नहीं करने देता था, सामने वाला वो नहीं करने देता था, सामने वाला साथ में वीडियो नहीं बनाने देता था, सामने वाले की वजह से उन्होंने अपना बच्चा तक प्लान नहीं किया, सामने वाले के कहने पर उन्होंने डिवोर्स तक लिख दिया। भाई आप कुछ नहीं हो, आपको सामने वाले के पास तो आपने इतनी चाबी दे रखी है कि वो जैसे जैसे भर रहा है, घुमा रहा है, आप घूमते जा रहे थे और पटाख से सारी बातों से मुकर गए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अरे यार कुछ बोलना चाह रही थी, मेरे दिमाग से निकले, अब बहुत ज़रूरी, कभी कभी होता है कि जब मैन वो होता है तो याद नहीं रहता, एक सेकंड याद करके बताऊंगी।
आ गया यार, कभी कभी ना दिमाग इतना ज़्यादा हो जाए, और थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में थी, मैं कहीं पर जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, तो इस वजह से। आपने देखा होगा कि मनीषा ने एक पोस्ट डाला था जिस पर मनीषा ने बोला था कि मुझे बोल दिया गया है तुमको जो करना है कर लो, यानी कि फिर से पूरी प्लानिंग के साथ मनीषा को उकसाया जा रहा है कि मनीषा जा चाहाया जा रहा है कि मनीषा सब कुछ बता दे कि तुमको जो करना है कर लो, यानी कि हमारा जो रिश्ता है वो एकदम से ओपन हो जाएगा, एकदम खुला हो जाएगा, फिर हमें किसी का डर नहीं, किसी को सब छिपाने की ज़रूरत नहीं, यानी कि खुल्लम खुल्ला चलेगा, अब जो कुछ भी चलेगा, अब ये दीदी भैया बनने का या दिखावा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चाहते हैं कि मनीषा सारी चीज़ें यहाँ सामने रख दे, तो सामने वाले की जो बातें हैं जो हो रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो उन्होंने लाइव में ही क्लियर कर दी थी कि हाँ था उनका ऐसा रिश्ता, समझदार लोग काफ़ी लोग समझ गए उस चीज़ को। चाहते हैं कि मनीषा ये सारी चीज़ें सामने आके बोल दे तो वो बिल्कुल भी फ्री आज़ाद हो जाएंगे। आखिर सचिन अम्बाला बर्थडे वाले दिन अगर सचिन सच में अरेस्ट हैं, अगर उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो ये बहुत बड़ी बुरी खबर है, दुखद खबर मानूंगी, एक माँ के लिए भी, एक बीबी के लिए भी, एक परिवार सब के लिए भी। मिल गई शांति जगत दीदी को, शांति मिल गई, अब कलेजे को ठंडक मिल गई। अब कैसे कैसे लोग पड़े हैं आज भी, मानने को दिल, विश्वास करने को तैयार नहीं होता कि ऐसा भी होता है, बहन भाई के रिश्ते की आड़ में ये सब काम हो रहा था, अभी भी मानने को मन तैयार ही नहीं है। एक के बाद एक के बाद एक इतने खुलासे हो रहे हैं, फिर भी लग रहा है कि ये सच है, ऐसे लग रहा है कि कोई यार, लेकिन नहीं, जब सामने वाला चुप है तो सारी चीज़ें खुद ही क्लियर है ना कि बात में दम है, सच्चाई है, और मनीषा को सामने आना ही पड़ेगा। मनीषा को इसीलिए उकसाया जा रहा है कि वो सारी चीज़ें रख दे सामने, तो वो अपना एकदम से खुला हो जाएंगी। कहाँ गए वो भैया जब जो लाइव में बैठ के चैलेंज दे रहे थे, दिखा दो कोई कि नेहा तिवारी को यहाँ देखा वहाँ देखा, बता दो कोई नेहा तिवारी का कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, मूछें मुड़वा लूंगा, ये बोला था ना। अबे यार, अब कहाँ गई वो मूछें, अब कहाँ गया वो भाई, अब कहाँ गई वो इज्जत, कहाँ गए? बहन ने आसानी से बोल दिया मेरे पास मत आइए किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी का, मैं क्यों ना आए आपके पास, बड़े आराम से किसी का घर बसा बसाए बिगाड़ के, किसी को खून के आंसू रुला के, किसी की लाइफ खत्म करके, उस मनीषा ने बोला था इससे ज्यादा मेरी जिंदगी और क्या बर्बाद होगी, बहुत आराम से पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है कि मेरे पास मत आइए, किसके पास जाएं जब घर आपने उसका तोड़ा है, विश्वास आपने ऑडियंस का तोड़ा है, उसका ही नहीं पूरे ऑडियंस का, जो आपको जगत जननी जगत दीदी जो कुछ भी बना के आपको पूज रही थी, हर हर जगह नेहा तिवारी की एक मिसाल दी जाती थी, नाम दिया जाता था, कितना ऑडियंस प्यार करती थी, कितना सपोर्ट करती थी, क्या कुछ मानती थी, लेकिन अभी जो मुखौटा उतरा वो इतना भयानक है, इतना भयानक है कि ऑडियंस उसको देख नहीं पा रही है कि ऐसा भी है क्या। अभी भी कहीं ना कहीं ऑडियंस के मन में एक वो है कि क्या ये सच है, सच में किसी की लाइफ बर्बाद हो गई और किसी को फर्क ही नहीं है। भाई का टोन में टाइटल आ रहा है, वीडियो आया था बहन का, मस्त आग लगा दो, खत्म कर दो मस्त किसी के परिवार को, सच में यार। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मुझे कहीं जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है, मैं मिलती हूँ आपको शाम को फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो भी न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।